दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। अपने कार्य की सिद्धि के लिए कुछ भी हो, उसमें चाहे एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए हो, वो चाहे लड़की के विवाह के लिए हो, लड़के के विवाह के लिए हो, जॉब के किसी इंटरव्यू के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो, अब्रॉड जर्नी हो, कोई लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट हो, कोई चीज प्रकोर करना चाह रहे हैं और वो आपके हाथ से आगे निकलती जा रही है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, इमेटीरियल ऑफ द वर्क, द नेचर ऑफ द वर्क, द थिंग ऑफ द वर्क, एक बहुत ही सरल उपक्रम करें। इसमें कोई पूजा नहीं है, इसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसमें कोई साधना नहीं है, इसमें कोई तप नहीं है, इसमें मंत्र नहीं है, इसमें बीज नहीं है, इसमें कोई चौपाई का पाठ नहीं करना है। सरल सा, अपने घर में मंदिर जरूर होगा लोगों के, नहीं है तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए, जैसे भी सुविधा हो, कोई बंधन नहीं। अपने सामने कोई साफ सा पेपर ले लीजिए, 5 उनके पीसेस कर लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी हों। कपड़ा ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कपड़ा लें तो पीले रंग का लें, येलो कलर का कपड़ा लें, कागज कोई भी कलर ले सकते हैं और येलो कलर का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। इस पेपर के 5 टुकड़ों पर एक एक सिक्का रखें, सिक्का जो एक रखें वो 5 में ही हो, 100 होना चाहिए, जो भी हो, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, जो भी कुछ हो, एक ही सा सिक्का होना चाहिए। उन पे हल्दी एक एक चुटकी रखिए, उन पे थोड़ा सा चावल एक एक चुटकी रखिए और ये 5 कागज के टुकड़ों की, कपड़ों की पुड़िया बना लीजिए या पोटली बना लीजिए, जो भी आपने रखा है, और इनको अपने मंदिर में भगवान जी के चरणों में 5 पुड़ियाओं को एक जगह रैप कर लीजिए या अलग अलग रख दीजिए इनको। ये 5 देवी देवताओं का आवाहन है, ये 5 देवी देवताओं को आपने निमंत्रण दिया है, ये 5 देवी देवताओं की कृपा आप पाना चाहते हैं, ये 5 देवी देवताओं को आदेश है आपके लिए। 5 हमारे हिंदू माइथोलॉजी में माने गए हैं ना, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 5 देवी देवताओं के नाम का संकल्प लेके आपने पुड़िया रख दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी एडमिशन की, हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है या प्रिलिमिनरी एजुकेशन में जाना चाह रहा है, उससे मतलब नहीं, इंस्टीट्यूट चेंज करना चाह रहे हैं, ये रख दीजिए। ये तो एक क्रिया हो गई, अपने मन में अपने कार्य का, अपने इष्ट कार्य का संकल्प लेके कि प्रभु मेरा कार्य सिद्ध करे, अगर मेरा कार्य सिद्ध होगा तो मैं ये करूँगा। वो फिर आपकी श्रद्धा है अपनी कि आप क्या मन में मांग करते हैं, छोटी मांग करते हैं, बड़ी मांग करते हैं, जो भी है। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए या वो कार्य निकल जाए, सिद्ध हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। पैसे में कुछ अपने पैसे में लाइए, उसका प्रसाद बांट दीजिए, और जो चावल और हल्दी आपकी है 5 जगह जमा करके, इसको कहीं पेड़ की जड़ में डाल दीजिए या जल में विसर्जित कर दीजिए। इसके अगर बियॉन्ड जाना है, बहुत ही कोई कठिन काम है, जहां पे लग रहा है कि 1% भी संभावना नहीं है होने की, तो वहां पे आपको संभावना लगने लगेगी। अगर आप मेरा, वो मैंने एक ऑडियो दिया था, प्रातः काल उठ के मांगे, उसकी विधि, उसका तरीका, मैं इसके फुटर में उसका YouTube में जो मैंने दिया था उसका लिंक भी दे रहा हूँ, और आपको पता है तो साथ करें, दोनों चीजों को क्लब कर लें। आप देखिए प्रभु आपके कार्य को कितनी जल्दी करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग।